आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। यूपी के कौशाम्बी में एक छोटे से गांव के रिटायर्ड सेक्रेटरी के बेटे का खेती बाड़ी के प्रति ऐसा जुनून चढ़ा कि उसने बीटीसी की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नौकरी नहीं की, बल्कि मशरूम की खेती करने का प्लान बनाया। मशरूम की खेती कैसे करनी है इसकी खोजबीन में जुट गया। मशरूम की खेती के लिए पिता ने भी उसका साथ दिया। इसके अलावा रेडियो भी पथ प्रदर्शक बना। युवक ने रेडियो में सुनने के बाद मशरूम की खेती करने का निश्चय लिया और फिर उत्तराखंड में जाकर इसका प्रशिक्षण भी लिया। वापस आने के बाद उसने मशरूम की खेती करनी शुरू कर दी। इस खेती से उसे बढ़िया मुनाफा हो रहा है। इसे देखकर जिले के अन्य बेरोजगार युवक भी मशरूम की खेती करने लगे हैं। वहीं उद्यान विभाग ने युवक की लगन को देखकर अन्य लोगों को भी मशरूम की खेती करने के लिए प्रेरित करने लगे हैं। लेकिन खेती ठंडी के मौसम में अच्छी होती है क्योंकि यह 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है। गर्मी में खेती एयर कंडीशनर लगाना पड़ता है अगर हमें गर्मियों में खेती करनी है। वहीं ठंडी के मौसम में खेती करने के लिए सितंबर और अक्टूबर में काम शुरू हो जाता है और मार्च तक यह खेती जारी रहती है। मशरूम की खेती हम 2017 से कर रहे हैं। रेडियो पे सुनने से ये विचार आया कि मतलब मशरूम की खेती किया जाए तो मुनाफा अधिक है गेहूँ धान के अपेक्षा, तो तभी से हम इसकी ट्रेनिंग के लिए उत्तराखंड गए। उत्तराखंड से हमने ट्रेनिंग किया और मशरूम खेती 2017 से करने लगे। तो प्रॉफिट आपको बढ़िया हो जाता है? हाँ, प्रॉफिट हो जाता है। आप काफ़ी कर रहे हैं कि इलाके में और भी कोई कर रहे हैं? नहीं, इलाके में तो कोई नहीं कर रहे, हम ही इस समय कर रहे हैं। खेती किसानी के अलावा और क्या काम करते हैं? देख, खेती करते हैं और तो हमारे पास फिलहाल कुछ काम नहीं है, तो खेती ही करते हैं। मशरूम की खेती करते हैं, गेहूं की, धान की, आलू की। कब खेती करते हैं आपके, सीजन क्या होता है इसका? ये सितंबर से लगना चालू होता है, नवंबर से दिसंबर, नवंबर और दिसंबर से निकलने लगती है। इसका तापमान कैसे क्या होता है? ये 20 डिग्री सेल्सियस पे होता है जो हम ठंडी में करते हैं। कितने दिन होली तक होगा? होली के बाद। देखिए, मशरूम की खेती बहुत ही फायदेमंद है और प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स है अलग से प्राप्त करना। जो लोग मीट मांस मछली नहीं खाते हैं तो उसके लिए मशरूम की खेती या मशरूम खाना, जिसमें कि अच्छा, सबसे ज़्यादा अच्छा बटन मशरूम होता है, बहुत अच्छे फायदेमंद है। किसानों को क्या लाभ है इसमें, कितना फायदा खेती? देखिए, किसान को इसमें लाभ ही लाभ है। बहुत कम लागत में किसान खेती कर सकता है। इसमें भूसा और जो इसका जो बीज लगता है वही खर्चा है और इसमें बहुत ही कम खर्चा है। और किसान अपने खेत, अपने घर पे या अपने खेत पे छोटी सी जगह में जो है कर सकता है। जिले में अपने कितने लोग कर रहे हैं इस तरह की? जिले में लगभग जो मेरी जानकारी में 5 से 6 लोग कर रहे हैं खेती। और इसमें जो एक बुद्ध प्रिय हैं जो सिमरा गांव के, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी नई नई खेती शुरू किया है, तो इसका लाभ जो मिल रहा है। विभाग की तरफ से और प्रोत्साहन करने की जरूरत है कि और किसान इसको खेती करें और अपना? हाँ बिल्कुल, विभाग की तरफ से प्रशिक्षण दिया जाता है। जो किसान इच्छुक किसान है, आप यहाँ पे केवीके में प्रशिक्षण हुआ है, कौशाम्बी में, महागाँव में, इसके अलावा हम लोग इलाहाबाद में प्रशिक्षण देते हैं, इसके अलावा बस्ती में प्रशिक्षण मिलता है, लखनऊ में प्रशिक्षण मिलता है। तो जो भी किसान यदि प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो प्रशिक्षण